दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज चटनी यानी लाल चटनी। आप इसका कलर देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा आया है और ये खाने में भी बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखते हैं। हमने यहाँ एक बर्तन में पानी लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और इसमें हम 12 से 15 लाल मिर्च डालेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को हमें चारों साइड से काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है, बस हल्का हल्का हमें टमाटर में चाक लगाना है जिससे टमाटर के छिकल आसानी से निकल जाए। और यहाँ हम चार टमाटर की चटनी बना रहे हैं, तो टमाटर हमने पानी में डाल दिए हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है और इन्हें पकाने में हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट ही लगते हैं और दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और एक प्लेट में टमाटर और मिर्च को निकाल लेंगे। दोनों चीज़ें एक प्लेट में निकाल ली हैं। अब हम टमाटर का छिलका निकालेंगे। तो टमाटर गरम है, यहाँ आप थोड़ा संभल के कीजिए। एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम उबली हुई लाल मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे और 7 से 8 लहसुन की कली डालेंगे और इन्हें पीस लेते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम हो गया है तो बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन हमें ज़्यादा लेना है और इसे हम बारीक काट लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे घिसा हुआ अदरक और दोनों चीज़ों को हम भून लेते हैं। दोनों चीज़ों को हमने भून लिया है, बस हमें इन्हें इतना ही भूनना है। अब हम डालेंगे पिसी हुई मिर्च और टमाटर, चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। तो नमक हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा लगेगा। तो या आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। नमक को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं हो तो आप 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और चटनी को हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आया है चटनी में और ये खाने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है। आप इस तरह से ज़रूर चटनी बनाएं। इसे हम एक बार चम्मच से चला लेते हैं। तो बढ़िया सी मोमोज चटनी बनके तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यही था मेरा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।